को बड़े ही रंग और खुश मिजाज तरीके से मनाया जाता है। देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com की खास पेशकश में आपको बताते हैं कि एक ऐसा गांव जहां होली का दहन बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है। एक जगह ऐसे है जहाँ होली के त्योहार पर होलिका की दहकती आग में कूदने की परंपरा है। होलिका दहन के अवसर पर एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है। इस मुहूर्त में पुजारी होलिका की आग में कूद कर निकल जाता है। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में कि कहाँ है ये शहर, कौन सा है ये शहर जहाँ होलिका दहन के दौरान पंडित आग में कूदता है। रंग और प्यार के इस त्यौहार को देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। देश में नहीं बल्कि विदेशों में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कई फूलों से तो कई लट बरसाए जाते हैं, तो कहीं लड्डुओं से होली खेली जाती है। बरसाना की लट्ठमार होली पूरी दुनिया में मशहूर है। इस सभी के बीच कई जगह ऐसी परंपरा है जिसे जानकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। आज हम आपको ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक जगह ऐसी है जहां होली के त्यौहार पर होलिका की दहकती आग में कूदने की परंपरा है। होलिका दहन के अवसर पर एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है। इस मुहूर्त में पुजारी होलिका की आग में कूद कर निकल जाता है। यहां के लोगों का दावा है कि आज तक इससे कोई हताहत नहीं हुआ है। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा नगरी के 40 किलोमीटर दूर फालिन गाँव की है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह परंपरा पिछली 5 सदियों से बदस्तूर चली आ रही है। प्रहलाद का है ये मंदिर। फॉलन गांव में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का प्राचीन मंदिर और प्रहलाद कुंड भी है। होली से पहले पंडा मंदिर में पूजा अर्चना करता है। इसके बाद प्रहलाद कुंड में स्नान कर होलिका दहन की जलती डप्टों में कूदकर उससे बाहर निकलता है। लोगों का कहना है कि जब कोई पुजारी इस कर्तव्य को दिखा पाने में समर्थ व्यक्त नहीं करता है तो वह पूजा करने वाली अपनी मामा को मंदिर में रख देता है। इसके बाद जो भी पुजारी इस माला को उठाता है उसे इस कर्तव्य को करना पड़ता है। इस परंपरा को देखते हुए विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कई त्याग देते हैं अन्न। कहा जाता है कि पुजारी इस परंपरा का निर्वाह करता है, वह होलाष्टक लगते ही अन्न का त्याग कर देता है। होलाष्टक यानी होली के 8 दिन पहले से आम आदमी जहाँ होलिका इस दहकती आग के पास खड़ा होने में भी डरता है, उसी आग को यह पुजारी फलांग कर निकल आता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।